पर आपने देखा, और चुनाव मतलब भरोसा, भरोसा मतलब न्यूज 18, और न्यूज 18 लगातार दिखा रहा है आपको हर तस्वीर, हर अपडेट। सुमित, बिल्कुल पल पल का अपडेट, हर एक सीट पर हमारा रिपोर्टर तैनात है, हमारे सहयोगी तैनात हैं, और कौन कहां से जीत रहा है। देखिए, अंतागढ़ से बीजेपी के विक्रम उसेंडी जीत चुके हैं, अंतागढ़ से बीजेपी के विक्रम उसेंडी की जीत हुई है। यहां पर एक और बड़ा रिजल्ट, अंतागढ़ सीट से बीजेपी की जीत हुई है, विक्रम उसेंडी यहां से जीत चुके हैं। 55 सीटों पर बीजेपी आगे, 34 पर कांग्रेस आगे चल रही है। लगातार बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हुए जो रुझान है, अब वो नतीजों में, रिजल्ट में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए चर्चा का रुख करेंगे हम। राजीव जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप ब्रेक से पहले। जी देखिए, जनादेश का अपमान नहीं होना चाहिए कि आपने ये काम नहीं किया। जनादेश का हमेशा से सम्मान करना चाहिए। ये जो मिला है इसे नम्रता से कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि ये जो जनादेश है ये कांग्रेस के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पर मुहर है, उस पर बटन लगाई गई है जनता ने। अभी चुनाव के पहले भूपेश बघेल जी बहुत सारे होर्डिंग्स लगा के रखे थे, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.40%। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े विद्यार्थी, जो मेघावी विद्यार्थी, वो बेहोश हो जाते थे। ऐसी स्थिति तो कहीं पर नहीं दुनिया में। देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ, पूरे विश्व की समस्या है। रोजगार का अभाव है, जो जीविका उपार्जन की एक समस्या है, लेकिन उसमें इतना बड़ा झूठ, ये चुनाव इस बात का परिणाम है कि आप जनता को झूठ बोलकर, लाइट दिखाकर, टीवी में दिखाकर, झूठ बोलकर आप आवाम को जीत नहीं सकते। आपको काम करके दिखाना होगा। मध्य प्रदेश के मैंडेट ये कहता है कि मध्य प्रदेश ने काम करके दिखाया तो जनता ने मुहर लगाई है। छत्तीसगढ़ ने ये जनादेश दिया है कि आप अगर केवल फोटो सेशन करेंगे और झूठ बोलेंगे तो जनता को भी मौका मिलता है, एक दिन का मौका मिलता है, और वो एक दिन में जनता कुर्सी खसका देती है और नई कुर्सी लगा देती है। ये जनता जनार्दन को हम सुरेन जी उसे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो ही बताएंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के साथी चुनाव के पहले ये मुद्दे इनको याद नहीं आया, उस मुद्दे पे वोट मांग लेते, उस मुद्दे पर चर्चा कर लेते। राजू भाई, ये ऐतिहासिक सत्य है कि भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ में ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। ये छत्तीसगढ़ 26 लाख